Next question, uh, question says a mass is suspended separately by two different springs in successive order when time period uh, then time period is T1 and T2 respectively. इफ इट इज़ कनेक्टेड बाय बो स्प्रिंग्स एज शोन इन द फिगर देन द टाइम पीरियड इज टी नॉट और हमें बताना है टी नॉट टी वन टी टू के बीच में क्या रिलेशन होएगा अगेन uh, सवाल आपके स्प्रिंग के कॉन्सर्ट्स पे जाएगा एन एल एम में और एस एच एम में हम इस तरह की बातें करते हैं यहाँ पे सो so, यहाँ पे हमें टाइम का रेशो बताना है सवाल थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए पर मुश्किल नहीं है हालांकि सो right? so, पहले हमने क्या किया सिचुएशन ये है कि आपने एक स्प्रिंग लिया जिसकी वैल्यू है उसके ऊपर एम मास लगाया इसका कॉन्स्टेंट है के वन टाइम आया टी वन नाउ इस टाइम टी वन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं चलो पहले सिचुएशन बना लेते हैं दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने मास लिया एम के टू का स्प्रिंग लगाया इसका टाइम आया टी टू और तीसरे केस में आपने इन दोनों को पैरेलल लगा दिया और ये आपका मास एम है ये के वन और ये के टू है और टाइम आपका आया टी नॉट अब हमें टी नॉट टी वन टी टू के बीच में रिलेशन बताना है अगेन टी वन को हम यहाँ लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के वन और उस रिलेशन से अगर हम दोनों तरफ तो स्क्वायर कर दें हम लिख सकते हैं K1, uh, to, uh, K1 के वन विल बी इक्वल टू के वन को स्क्वायर करके हम इधर ले जाएं ये हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय टी वन का स्क्वायर ये आपकी इक्वेशन नंबर वन आ गई सिमिलरली टी टू का अगर हम टाइम लिख लेंगे सो so यहाँ पे वही सिमिलर पैटर्न में हम के टू को लिख सकते हैं फोर पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय टी टू का स्क्वायर ये आपकी क्वेश्चन नंबर टू हो गई ना इस केस में हमें ये पता है कि जब दो स्प्रिंग लगे हुए हैं पैरेलल में तो उसका के इक्वल एंड जो हो जाएगा वो होगा के वन प्लस के टू और यहाँ पे टाइम को हम लिखेंगे आ, इसका टाइम टी नॉट टू पाई डिवाइडेड बाई एम टू पाई एम डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू नाओ अगर हम इसको फिर सिमिलर पैटर्न में के वन प्लस के टू इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा के वन प्लस के टू विल भी इक्वल टू फोर पाए फोर पाए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई टी नॉट का स्क्वायर अब के वन के टू की वैल्यू अगर हम वहाँ से यहाँ इंसर्ट कर दें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आते हुए दिख गया होगा आपको uh, इसको यहाँ पर अगर हम इंसर्ट कर दें तो ये बन जाएगा के वन प्लस के टू की जगह आ जाएगा फोर uh, ये हो जाएगा फोर पाए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय टी वन स्क्वायर ये तो यहाँ से आ गया के वन ये आएगा फोर पाए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय टी टू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये वाली टर्म बन जाएगी फोर पाए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय टी नॉट का स्क्वायर फोर पाए स्क्वायर एम कट जाएगा सो so इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं वन बाय टी नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन बाय टी वन का स्क्वायर प्लस वन बाय टी टू का स्क्वायर ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी ना अगर हम चार ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी लुक्स लाइक दिस तो इसको थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है सो इसको हम लिख सकते हैं टी नॉट टू पावर माइनस टू विल बी इक्वल टू टी वन टू द पावर माइनस टू टी टू टू द पावर माइनस टू सो ये बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर